डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा, डॉक्टर रमन भाजपा के तथाकथित बड़े नेता माने जाते हैं, शाह किसी गुमनाम प्रत्याशी के नामांकन में जाते। अमित शाह को संशय है कि गुमनाम नेता की सभा में भीड़ नहीं आएगी। रमन सिंह को भरोसा नहीं कि वो राजनांदगांव से जीत पाएंगे भी या नहीं, इसलिए शाह कर रहे दौरा। भाजपा के चेहरा घोषित नहीं कर पाने को लेकर सुशील आनंद ने कहा, भाजपा में प्रत्याशी सीट घोषित होने के बाद हर जगह विरोध। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रमन सिंह खुद को बड़ा चेहरा मानते हैं, भाजपा में उहापोह की स्थिति। भूपेश के चेहरे के सामने भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं। पितृ पक्ष में भाजपा की सूची घोषित होने पर सुशील आनंद ने कहा, पितृ पक्ष में सूची जारी कर भाजपा ने ये बता दिया कि वो सनातन धर्म को नहीं मानते, पितृ पक्ष में शुभ काम नहीं किया जाता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझती है, हम नवरात्रि के प्रथम दिन सूची जारी करेंगे। केंद्र ने भाजपा के 24 नेताओं को दी एक्स श्रेणी की सुरक्षा। मामले में सुशील आनंद ने कहा, केवल भाजपा के नेताओं को ही क्यों दी गई सुरक्षा? जिन 24 नेताओं को सुरक्षा दी गई, उन्होंने राज्य और केंद्र को सुरक्षा के लिए कब आवेदन किया? उनके आवेदन की प्रति सार्वजनिक होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं दी जा रही सुरक्षा? केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग कर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही। कांग्रेस की सूची में इस बार ज्यादा महिलाओं को मिल सकती है जगह। मामले में सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 10 जीत कर आई थीं। इस बार भी भाजपा के मुकाबले हम ज्यादा महिलाओं को अवसर देंगे।